हे गाइस, मैं हूं नंदनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ड्स ऑफ नंदनी में। तो जैसा कि ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना है और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो ऐसे में क्या आप खा सकते हो? तो सबसे जो पहला ऑप्शन दिमाग में आता है वो होता है गाजर का हलवा, क्योंकि ये सीजनल सब्जी है जो कि सर्दियों में गाजर बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। तो ऐसे में आप गाजर का जो बेस्ट बना सकते हो वो है गाजर का हलवा। तो इस वीडियो में आज हम वही बनाएंगे और मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी रेसिपी गाजर के हलवे की, जो कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और मेरी जो ये रेसिपी है ये विदाउट मावा है, इसमें मैं मावा का यूज़ नहीं करूंगी अलग से। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा एंड पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। ये 1 kg गाजर है, इसको मैं भी घिसूंगी। और ये गाजर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अगर हलवा बनाना है तो हलवे के लिए आपको ये जो आप देख रहे हो, जैसे मैंने ये पतली पतली गाजरें ली हुई हैं और फ्रेश बिल्कुल, आपको ऐसी ही गाजर लेनी है। क्योंकि जो मोटी गाजर होती है उसके अंदर का जो येलो पार्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता, कड़वा कड़वा टेस्ट आता है उसका। तो या तो आप उसको काट के हटा दो और नहीं तो आप ऐसी पतली पतली गाजरें लो अगर आपको हलवा बनाना है तो। अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई और बड़ी ही थोड़ी ली है ताकि गाजर का हलवा अच्छे से इसमें बन सके। और ये मैंने गाजर को घिस लिया है। अब 1 kg गाजर है यहाँ पर है। मैंने जो लिया है दूध, ये जो दूध है ये है 2 kg। मतलब अगर आप 1 kg गाजर का हलवा बना रहे हैं तो उसमें आप 2 kg दूध डालेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। मैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पर डाल दूँगी। यहाँ मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, 2 बड़े चम्मच। एंड जैसे ही ये थोड़ा गर्म हो जाएगा हम इसमें जो ये सारी गाजर है वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही चला लीजिए 1 मिनट तक और बस तुरंत इसके बाद आप इसमें ये जो 2 kg दूध मैंने यहाँ पर लिया है, ये मैं ये फुल क्रीम दूध है, ये मैं यहाँ डाल दूंगी। ये पूरा 2 kg दूध मैंने 1 kg गाजर में डाल दिया है। बस अब आपको इसको पकाते रहना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे इसको, फुल आंच पे नहीं पकाना है, नहीं तो आपका दूध जल जाएगा और गाजर जो है वो कच्ची रह जाएगी, अच्छे से गलेगी नहीं। तो इसलिए तो बस हमारा जो गाजर का हलवा है अब कंप्लीट होने ही वाला है, ऑलमोस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। बस थोड़ी सी अभी कसर रहती है और थोड़ी देर बाद इसमें अब हम चीनी इसमें कितनी डालेंगे। चीनी आप 1 kg गाजर है तो आप इसमें 150 से 200 ग्राम चीनी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो 200 ग्राम डालिए और अगर आप कम खाते हैं तो आप 150 ग्राम भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 150 ग्राम चीनी इसमें डालूँगी जब ये दूध पूरी तरीके से पक जाएगा तब। अब आप देख सकते हैं कि गाजर और दूध आपस में अच्छी तरीके से बाइंड हो गया है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें चीनी। जैसे कि मैंने आपको बताया 150 ग्राम, तो मैं इसमें ऑलमोस्ट 150 ग्राम चीनी डालूंगी। ये हमारी चीनी अब डल गई है। अब ये चीनी भी थोड़ा पानी छोड़ती है क्योंकि, तो अब चीनी डाल के हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे।
हमारा फाइनल गाजर का हलवा बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। अब लास्ट हम इसमें डालेंगे जो हमने हमारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो। बस अब आप इसे डाल के इसे अच्छा सा मिक्स दे दीजिए एंड योर गाजर का हलवा इज रेडी। तो ये देखिए गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगी क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है। बहुत अच्छा बना है, मैं भी खुद तारीफ कर रही हूँ। अभी आप मेरे व्लॉग में शायद देख चुके होंगे, वो व्लॉग मेरा आ चुका है, उसमें आपने देखा होगा कि सबने इसकी बहुत तारीफ की थी। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं आपकी बनाई रेसिपीज़ के साथ, आपकी पिक्स के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।